मुझे बताया गया है कि हमारे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से विशेष करके एंडोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के तहत, जो कि सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकल भी पड़ता है, उसको हम सब लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसका उपयोग हम सब लोग करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप सबको विशेष करके बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ REC को भी और श्री बोस जी को, जिन्होंने आर्थिक रूप में इस 100-बेडेड हॉस्पिटल को साकार करने में अपना योगदान किया है, और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद पीपल विद डिसेबिलिटी, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आपने जो ये सामाजिक बीड़ा अपने कंधों पर उठाया, इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप में और REC को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, हम सब लोग एक बदलते परिवेश में, भारत आत्मनिर्भर हो, आगे बढ़े, हर दृष्टि से आगे बढ़े, इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, इस कार्य में लगे। मुझे बताया गया है कि ये इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए और सदर्न रीजन के लिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ आते हैं और कई बार लंबी वेटिंग लिस्ट भी देखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये जो 100-बेडेड हॉस्पिटल का एडिशन हुआ है, यह इसमें कहीं ना कहीं एक सुविधा प्रदान करेगा और लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं तक इसको पूरा करने में अपना योगदान करेगा। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टि से बात करें तो आज मैं ये भी कह सकता हूं कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और ये रिहैबिलिटेशन के बारे में तो राजेश जी ने बताया और हमारे वीरेंद्र कुमार जी मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दुनिया के परिवेश में देखें तो रिहैबिलिटेशन का काम तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें देश ने अपनी एक पहचान बनाई है, उसको भी आज के दिन स्मरण करना, उसको याद करना और उसको आत्मचिंतन करके आत्मसात करना, यह भी आवश्यक होता है। मैं यहां आज इस कार्यक्रम में आया हूं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा, मुझे मालूम है कि ट्यूबरक्लोसिस की दवा इस देश में दवा के इजाद होने के 25 साल बाद आई थी। मुझे मालूम है कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की दवा इस देश में आने में 28 साल लगे। मुझे मालूम है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को भारत में आने में 100 साल लगे। 1906 में जापान ने इसका दवाई इजाद की थी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की। 2006 में यह भारत में पहुंची। पल्स पोलियो को नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लगे। हर दृष्टि से देखा जाए, डिप्थेरिया के लिए देखा जाए, दवाई आने में यहां 25 साल, टेटनस की दवाई आने में 25 साल, 30 साल लगते। लेकिन इस सेंचुरी का, इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक आया कोरोना। पहला केस 20 जनवरी 2020 को केरला में डिटेक्ट हुआ, 20 अप्रैल को टास्क फोर्स 2020 में बन गया और 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सपोर्ट दे करके और साइंटिस्ट को इनकरेज करके एक नहीं, दो दो वैक्सीन बना करके आत्मनिर्भर भारत का, दो दो वैक्सीन। और आज आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको ऐसी तस्वीर यूरोप में नहीं मिलेगी, आपको ऐसी तस्वीर अमेरिका में नहीं मिलेगी। अमेरिका का जो बाइडन भी भाषण देने आते हैं तो मास्क उतारते हैं, नहीं तो मास्क पहने होते हैं। और आप सब लोग बड़े नजदीक बैठे हैं बिना मास्क के। ये इसलिए संभव हुआ है
करोड़ के देश को 217 करोड़ का डबल डोज विद बूस्टर लगा करके मोदी जी ने मुफ्त में हमारे को सुरक्षा कवच दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, इसको हमको समझना पड़ेगा। अमेरिका हमसे ज्यादा सक्षम था, यूरोप हमसे ज्यादा सक्षम था, जर्मनी, इटली, फ्रांस ये हमसे ज्यादा सक्षम थे, लेकिन इनकी स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई 2 महीने के अंदर। ये अपने आप को लाचार महसूस करने लगे, इसलिए क्योंकि नेतृत्व तो फैसला नहीं कर सका कि जान बचाए या आर्थिक जगत बचाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया, जान है तो जहान है, और पहले लॉकडाउन लगाया, देश को 2.5 महीने में तैयार किया। जब लॉकडाउन लगा था तो वी डिड नॉट हैव इवन 1 PPE किट, वी डिड नॉट हैव आइसोलेशन सेंटर्स, वी डिड नॉट हैव आइसोलेशन बेड्स, वी डिड नॉट हैव ICU बेड्स, वी डिड नॉट हैव कोरोना हॉस्पिटल्स। 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2.5 महीने में भारत को पीपी किट लेने वाला ही नहीं, पीपी किट एक्सपोर्ट करने वाला देश बना दिया और आत्मनिर्भर बना दिया। और उसके साथ साथ आइसोलेशन बेड ये जर्मन हैंगर की तरह हर जिले में बड़े बड़े डॉर्मेट्रीज बने, आइसोलेशन सेंटर बने। और तब कहा मोदी जी ने कि जान है तो जहान है, अब जान भी है और जहान भी है, दोनों को बचा करके चलो। दिस इज लीडरशिप विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए कोरोना मैनेजमेंट ने अपने आप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान किया है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने एक मूलभूत परिवर्तन लाया है जिसको आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य के दृष्टि से अस्वस्थ न होने दें, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। पहले क्या था, ओनली क्यूरेटिव, पहले बीमार पड़ो बाद में तुम्हारा क्योर करेंगे। आज हम लोगों ने प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव, और प्रिवेंटिव के साथ साथ प्रमोटिव, और प्रमोटिव के बाद क्यूरेटिव, और क्यूरेटिव के बाद पैलिएटिव, और पैलिएटिव के बाद रिहैबिलिटेटिव, और उसके बाद क्रॉस रेफरेंस रखने की कोशिश की। ये नई शिक्षा नीति, नई स्वास्थ्य नीति का परिवर्तन है। 1,50,000 हेल्थ सेंटर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। एट द एज ऑफ 30 एवरीबॉडी विल हैव ए ब्लड चेकअप, ब्लड प्रेशर चेकअप, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, ये सारी चीजों की चिंता की जाएगी, ताकि हमको 30 साल की उम्र में पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति इंक्लाइंड टू हार्ट पेशेंट है, इंक्लाइंड टू डायबिटीज है, इंक्लाइंड टू हाइपरटेंशन है, इंक्लाइंड टू मेंटल हेल्थ है, इसकी क्या किस तरफ ये बढ़ रहा है, इसको जान करके उसका प्रिवेंशन किया जा सके। उसी तरीके से प्रमोटिव हेल्थ, अब हर एक वेलनेस सेंटर में हम योग को प्रमोट कर रहे हैं। ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने आयुष ब्लॉक खोला है, और योगा को भी प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद को भी प्रमोट कर रहे हैं, और एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, ये सब एक साथ क्रॉस रेफरेंस में काम करेंगे। यानी हम अलग अलग नहीं काम करेंगे, हम एक साथ मिलकर के व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करेंगे। इस बात को हमने जोड़ने का